वेरी गुड मॉर्निंग और आज है मंडे और आज हम लोग जा रहे हैं रेव के लिए शॉपिंग करने के लिए और वो भी स्कूल के लिए। तो उसके जो शूज़ है वो लेने हैं, उसके लिए स्कूल बैग, तो उसके लिए जो है शॉपिंग करने के लिए जा रहे हैं। रेव, आर यू एक्साइटेड? नो, यू आर नॉट एक्साइटेड? नो। तब स्कूल बैग नहीं जोई थी? जोई है। तो बच्ची, आर यू एक्साइटेड? जो स्कूल बैग है वो रेव खुद ही चूज करेगा क्योंकि उसको पता है कि उसको कैसी चाहिए, तो वो खुद सेलेक्ट करेगा उसे जो चाहिए। મંકી આવી ગયો? મંકી વાળી બેગ લેવી છે। ઓકે, ત્યાં હોય ને તો ના હોય ભાઈ જે અવેલેબલ હોય ને લઈ લેવાની। तो एक टाइम था जब रिव जो है यहाँ तपोवन में आता था, तो वो सारी जो मेमोरी है वो रिफ्रेश हो गई। ए रिव, केम नहीं काड़ियो बेटा? हां पेरी लो, केम नहीं काड़ियो? रॉन्ग राइट डन। Now hold mama's hand. Mama, wait for me. Shoes. No. Rev, do you like it? No. पहली जो है हम लोग आ गए हैं घर पे और पीछे जो है किचन वो बहुत ही ज्यादा फैला हुआ है और अभी बज रहे हैं 12:30 और रेव भी बहुत ज़्यादा उसको भूख लगी है, तो फटाफट से जो है मैं पहले लंच बना लेती हूँ। तो अभी लंच में बनेगा सिंपल सा सब्जी रोटी और दाल राइस। तो सबसे पहले तो जो पूरा का पूरा किचन फैला हुआ था वो मैंने समेटा, सब कुछ क्लीन किया क्योंकि सुबह जो है वो कुछ भी प्लान नहीं था कि आज हम लोग शॉपिंग करने के लिए जाएंगे, और क्योंकि मैं रेडी थी, रेव भी रेडी था, तो फिर वैसे का वैसे ही छोड़कर जो है हम लोग चले गए थे शॉपिंग के लिए। तो सबसे पहले तो मैंने सब कुछ क्लीन किया और सब्जी जो है बस मैंने जो है रेडी करके ही रखी थी,
तो बस इसको तड़का देना है। और यहाँ पे जो है मैं अलग से दाल बॉयल करने के लिए रख रही हूँ, और जब भी मैं दाल बॉयल करने के लिए रखती हूँ मैं उसमें पिंक सॉल्ट ही ऐड करती हूँ, क्योंकि ये जो दाल है वो रीदा भी खाएगी। तो झोंक लगाने से पहले जो है मैं उसके लिए अलग से कटोरी में दाल निकाल लेती हूँ, और सिंपल पिंक सॉल्ट और टमाटर के साथ बस दाल जो है मैं बॉईल कर दूंगी। और जब तक दाल बॉईल होगी तब तक जो है मैं सब्जी को जो है तड़का लगा दूंगी। और जो है प्रेशर कुकर में जो है सब्जी बनाने का मुझे बिल्कुल भी मन नहीं होता है, बट क्योंकि टाइम बहुत कम है, क्योंकि सिंपल कढ़ाई में जो है नॉर्मल से ज़्यादा टाइम लगता है सब्जी पकाने में, तो इसीलिए जो है इस वक्त मैं प्रेशर कुकर में जो है उसको तड़का दे रही हूँ। सिंपल जीरा और अदरक लहसुन का, और फिर उसमें सब्जी जाएगी और सारे मसाले, तो बस 5 मिनट में जो है सब्जी रेडी हो जाएगी और तब तक दाल भी बॉईल हो जाएगी। दा के लिए मैंने अलग से दाल निकाल ली है, और यहाँ पे जो है मैं झोंक लगा रही हूँ, तो ऑयल गरम हो गया है, तो सिंपल जो है राई का तड़का लगेगा। और अभी तो समर आ गया है तो कड़ी पत्ता इतना मिलता नहीं है, तो अभी है नहीं, तो हरी मिर्च, थोड़ी सी हींग, अदरक लहसुन का पेस्ट और दाल। और मोस्ट ऑफ द टाइम जो है सैलड होता ही होता है खाने में, तो बस यहाँ पे मैं उसी की प्रिपरेशन कर रही हूँ। यहाँ पे सिंपल सी जो है कुकम्बर और कैरेट्स है, और ककड़ी तो जो है वो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है समर में, हाइड्रेटेड रखती है बॉडी को, तो मैं मेक श्योर करती हूँ कि वो तो हो ही। रेव तो सु कर रहा है, डॉट जॉइन कर, अब ब्लैक कलर लेवानो ना, पहला डॉट थी हम लाइन बनावानी, बराबर ये लाइन बने, ये लाइन नहीं बार तू आवा तू आवा तू कर लाइन बना तू आ तू ई 4 5 हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग, और मैं आपसे मिल रही हूँ सीधा नेक्स्ट मॉर्निंग, और आज है ट्यूसडे, तो अभी बज रहे सुबह के 10, और नीतू जो है वो चले गए हैं क्लिनिक, और कल तो जो है बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। अरे व्हाट आर यू डूइंग? आई एम वॉशिंग।
बस हो गया? नो हो गया। उसको जो है चीजें क्लीन करना इतना ज्यादा पसंद है। स्लोली स्लोली और बलून लगे ना सो वेयर द फ्लैश कार्ड्स मुझे रमा मुझे रमा है नहीं नाखवानू बिट्टू पकड़ो पकड़ो चलो एक्चुअली जो है दो बच्चे अगर के हैं तो पेरेंटिंग जो है वो इतना ज़्यादा डिफर करता है क्योंकि जो बच्चे हैं वो इतने जो वास्ट डिफरेंस होता है नेचर में कि आपका पेरेंटिंग जो पहले मतलब आपने किया होता है वो बिल्कुल काम में नहीं आता है सेकंड टाइम पे। ये मेरा एक्सपीरियंस है क्योंकि जो नेचर रेवू का था वो बहुत रीदा बहुत ही ज्यादा अपोजिट है रेवू से। वेरी गुड तो फाइनली जो है हम लोगों ने शॉपिंग की है स्पेशली रेहू के स्कूल के लिए। तो ये जो बैग है ये रेहू के लिए और क्रैब वाली रेहू ने खुद जो है वो चूज की है उसकी पसंद की। और ये अमेरिकन टूरिस्टर की बैग है। वेट लेट मी शो। तो जिसके अंदर जो है दो पैकेट सॉरी तो जिसके अंदर जो है स्पेस काफी ज्यादा है। तो अभी तो जो है इसके अंदर बुक्स वगैरह कुछ रखना नहीं है। बुक्स वगैरह जो है उसकी वहीं पे रहेगी। सिर्फ जो है उसके कपड़े वगैरह वाटर बॉटल और नैपकिन्स वही आएगा। तो इसीलिए जो है साइज ये वाली ली है। और आगे भी एक पॉकेट है इसके अंदर। और ये भी रेहू ने ही चूज की है वाटर बॉटल। तो ये वाली एक्चुअली मुझे स्टील की चाहिए थी। ये भी प्लास्टिक की है बट अच्छा वाला प्लास्टिक है। स्टील की चाहिए थी बट छोटी सी जो स्टील की आती है और उसमें भी जो ये सिपर वाली होती है जिसमें वो अच्छे से पानी पी सके तो वो वाली नहीं मिली। तो ये प्लास्टिक की बॉटल उसी ने चूज की है। और ऑफ कोर्स रेहू के जो है स्कूल के नए शूज। तो सारी जो शॉपिंग है रेहू की वो अच्छे से हो गई है। तो उससे ज़्यादा तो मैं नर्वस हूँ कि उसकी स्कूल स्टार्ट होने वाली है। पता नहीं वो कभी भी ऐसे मतलब रहा नहीं है।
वो वहां पे थी, दोस्त को लग रहा है कि ये लोग मेरे बगैर क्या कर रहे हैं। और ये जो है मैं DIY से कुछ नैपकिन्स लाई हूँ रेवु और रिदा दोनों के लिए, ये वाले स्पेशली रेवु जो स्कूल में लेके जाएगा वो। और ये दो सेट मैंने लिए हैं। तो बस इस ब्लॉग को जो है मैं यही पैन करती हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।